जिनका रिजल्ट मैं आज शो करने वाला हूँ, उनको 365 दिन हो गए हैं, यानी कि एक साल हो गए हैं उनके रिजल्ट को। इनका रिजल्ट देखने के लिए बहुत लोग बेताब है, इवन मैं भी बेताब हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये रहे हैं दीपक भाई। दीपक भाई वेलकम टू हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू आपको। एक साल हो गए दीपक भाई, पता नहीं चला, ऐसे तैसे निकल गया। और आज हम अपने भाइयों के साथ आपकी पूरी जर्नी शेयर करेंगे। और अभी ये बताइए कि एक सालों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? बहुत फर्क नजर आ रहा है मेरे को, शुरू से जो शुरू का मेरा वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और अब में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत लुक चेंज हो चुका है। आप ना हीरो बन चुके हो। नहीं नहीं, आप पहले भी हीरो थे लेकिन अब क्या एक्चुअल में जो आपका होना चाहिए था वो नजर आ रहा है। वो नजर आ रहा है, अलग से ही समझ में आ रहा है एक साल का रिजल्ट पूरा। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, दीपक भाई हमारे सिटी के रहने वाले, जिनको नहीं पता होगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले। और आज से 365 दिन पहले यानी कि एक साल पहले इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। कंडीशन कुछ इस तरीके से थी जो आपके स्क्रीन पे है, वो आप देख लो। बाकी दीपक भाई मैं सबसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक साल की जर्नी में क्या क्या अपने बालों के लिए आपने किया है? जो लोग पूछते हैं ना कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले जो क्वारीज रहती कि अभी और क्या करना पड़ेगा, क्या करूँ, कैसा रिजल्ट आएगा, PRP लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेना, बहुत सारे जो सवालात होते हैं, तो एक साल में आपने क्या क्या अपने बालों के लिए किया, शुरुआत से बताइएगा। कुछ नहीं, सही बोलूं तो नॉर्मल जो यूज करते हैं। नहीं, लोग तो बहुत बातें करते हैं कि भाई PRP लेना पड़ता है, लेने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ से मैं ट्रांसप्लांट किया वहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं है PRP लेने की जरूरत। तो एक साल के जर्नी में क्या क्या रहा है? सिर्फ नॉर्मली जो यूज करने घरेलू शैम्पू तेल, और सबसे बढ़िया कि जो धूल और धूप से बचाना वो मैं किया पूरा एक साल तक अभी, तो और आगे भी करते रहूंगा। सही है, क्योंकि भाई हमारे बाल ही हमारे लिए खूबसूरती का एक वो है। केयर करूंगा तो आगे भी ऐसे ही रहेगा, केयर नहीं करूंगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। सही बात है, केयर जरूरी है। वो चाहे वो आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल हो, चाहे नेचुरल आपके पुराने वाला एग्जिस्टिंग बाल हो, साफ सफाई हर चीजों में जरूरी है। क्योंकि धूल डस्ट से, जितना ज्यादा धूल डस्ट अभी है, पहले उतना नहीं था, और अभी गंजापन भी ज्यादा है, इसलिए सिर्फ मैं धूल धूप से और बारिश के पानी से बचा रहे। बाकी कोई PRP कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैं जैसे आपके बाल को टच किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके बाल बहुत मोटे हो चुके हैं पहले से ज्यादा। तो अभी आप उन बालों को मोटा करने के लिए कुछ कर रहे हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल जैसा है वैसा ही, जैसा ही वैसा। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब आपका एक साल पहले हुआ, तो एक साल पहले क्लिनिक वालों ने कुछ बोला होगा कि कुछ सजेस्ट किया होगा, या फिर किसी ने बोला होगा, या यूट्यूब पे आप कुछ देखे होंगे? ऐसा कुछ नहीं, नहीं कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं इतना आपसे पूछ रहा हूँ कुचक के, क्योंकि लोग बोलते हैं, जनरली आप यूट्यूब पर देखेंगे कि बहुत सारे भाई लोग हैं जो बहुत सारा ज्ञान देते हैं, जो डॉक्टर बने पड़े हैं, जो सवाल जवाब बहुत करते कि ये करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, 3 बार या 5 बार PRP लेना पड़ेगा, सब कुछ नहीं है। क्या लोग बोलते हैं कि एक गरीब आदमी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता, मतलब लोगों की थिंकिंग होती है, तो आप बता दीजिए कि आप क्या करते हैं और मैं क्या करता हूँ? मेरा शॉप है फीस का जी, और भैया का तो मोबाइल का, मोबाइल शॉप मेरी है दोस्तों। हाँ। मैं बता दूं, मेरा भी एक छोटा सा शॉप है। हाँ। और भैया का भी एक फिश का शॉप है। तो हम दोनों कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, एकदम लोअर घर के हैं, एकदम गरीब आदमी है। और हमारे जितने भी भाई लोग, आप भी परिचित हुए हैं बहुत लोगों से कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता है सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट में, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई भाजी बेचने वाला है, कोई ठेला वाला है, कोई रिक्शा चलाने, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला। तो आप बहुत ज्यादा सोचिए मत, है कि नहीं? मैं तो गुल्लक में पैसा जमा कर करके 3-4 महीने जमा किया, उसके बाद गया हूँ। ओह माय गॉड। तो जो आपने पैसा जमा किया, आज उसका रिजल्ट तो आपको मिला ना? क्योंकि और कहीं वेस्ट करने से अच्छा खुद के पर वेस्ट करो तो ज्यादा अच्छा, उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। सही बात है। तो दीपक भाई मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि लोग अलग अलग तरीके से अपना रिजल्ट शो करते हैं यूट्यूब पर, और बहुत सारे भाई लोग हैं
जो क्लिनिक में जाना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या राय देंगे कि कौन सी क्लिनिक अच्छी है, कहाँ से कराना चाहिए? दूसरी बात कि क्या क्या क्लिनिकों में देखना चाहिए कि जिससे लोग फंसे नहीं? सबसे पहले तो आप डॉक्टर का आप पता करिए, उनका रिजल्ट देखिए। जैसे यूट्यूब में एक दो रिजल्ट देखने से कोई हो नहीं, आप पूरा रिजल्ट देखिए। जैसे मेरा हो, मेरा शुरुआत से अभी तक का पूरा रिजल्ट पूरा, पूरा, पूरा। अब बाकी चैनल में देखोगे तो सिर्फ एंड का दिखाते हैं, बस शुरू से आखिरी तक का नहीं दिखाते। और वो कन्फर्म भी नहीं होता कि वो है सही कि नहीं है। सही, सही है, जैसे मेरा है और भी आपके चैनल में बहुत सारा वीडियो जो शुरू से आखिरी तक का है। जी, जी। और डॉक्टर का देखो जाके, उनका बात देखो, उनका क्लिनिक देखो, पहले पता कर लो उसके बाद आप जाइए। जी जी जी। अब मैं तो जहाँ से मैं करा है, मैं वो सबको बोलना चाहूंगा भाई लोगों की आप भी वहीं जाके करा सिक्योर है ट्रांसप्लांट क्लिनिक, हाँ पुणे। क्योंकि आप मेरा देख लो रिजल्ट, भैया का देख लो, और बहुत लोगों का, कमल भैया का भी देख लो जो यहीं के हैं, सबका बेस्ट है। अब ऐसा नहीं कि लास्ट का वीडियो, आपको शुरू से पहले का हेयर ट्रांसप्लांट से पहले का भी, बात का भी, और अभी तक भी, इसके बाद का भी आप देखना। सही बात है। तो पूरा डिटेल हमारी चैनल पे मिलेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, पूरी डिटेल मिलते रहेगी। दीपक भाई, जो कि क्लिनिक चूज करने की बात मैं कर रहा था कि क्लिनिक जैसे चूज करते लोग अलग अलग जगहों पे, क्योंकि भारत में बहुत सारे क्लिनिक है, प्राइस को लेकर डरते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, ये है वो है। जो जहाँ आपने करवाया है ट्रांसप्लांट, अभी क्या उनकी कॉस्ट चल रही है बताइए? अभी उनके 1900 रुपये। और आपने करवाया था 1 साल पहले, हाँ, तो कितना दिया? 15 रुपये। सो दोस्तों, आप लोगों को जो कमेंट्स करते हैं कि जो कॉस्टिंग को लेके, प्राइस को लेके कि भाई पहले 15 था और अभी क्यों है, क्योंकि अभी महंगाई भी बढ़ गई है। और अगर मैं आपको बता दूं तो सिर्फ 4 रुपये पर ग्राम बढ़े, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ मैं छत्तीसगढ़ में रह के भी, हम लोग महाराष्ट्र के कराने, छत्तीसगढ़ में तो जब यहाँ उस टाइम में पता किया था तो 20 रुपये 25 रुपये ग्राम। जी जी। तो और उतना खास रिजल्ट भी नहीं था यहाँ का। जी जी। अब वहाँ अगर मान लो 15 रुपये में था, अभी 19 हुआ तो कोई बुरा नहीं है वो, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई तो बढ़ रही है। जी। दूसरी बात क्या है कि आपको कोई PRP नहीं लेनी है, कोई मेडिसिन नहीं लेने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे अपने बालों पे नहीं करना। और जैसे यहाँ आपको कम भी करवा लोगे तो बाद में आपको बुलाते ही 6 PRP के लिए, वहाँ आपका खर्चा होना ही है, मतलब एक ही है। जी। और मैं चाहूँगा कि अच्छे क्लिनिक में जाओ, आप 2-4 रुपए का सोचोगे तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है। कितना बचा लोगे यार, पर ग्राफ्ट अगर 4 रुपए बढ़े हैं तो 4000 एक ग्राफ्ट ने आपने बचा लिया, मान लो 3000 ग्राफ्ट लगते तो 12000 रुपए। 12000 रुपए पेट्रोल में कब फुका जाते हैं पता नहीं। आप PRP लोगे तो उतना पैसा तो आपका जाएगा ही, फिर आपका टाइम वेस्ट अलग होगा। जी। आप एक बार करा के होगे तो फुर्सत, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। PRP के लिए आप हर बार जाओगे तो आपका टाइम तो जाएगा ही। लोग तो इतना ज़्यादा मतलब फैला के रखे हैं, और बड़े बड़े जो भाई लोग हैं जो YouTube पर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट दिखाते हैं, बहुत लोग हैं। मैं बाकी लोग की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जैसे दीपक भाई का हमने बिफोर दिखाया कि पहले कंडीशन क्या थी, उसके बाद हमने दिखाया कि इनकी सर्जरी कैसी थी, पूरी वीडियोस आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, अब जाके ज़रूर एक एक वीडियो देख लेना। तो पूरी डिटेल इनकी दिखाई हुई है, तो सारी चीज़ें बताने के बाद इन्होंने जो जैसा हुआ है पूरी डिटेल आप तक पहुँचाई। तो इन 1 सालों के अंदर दीपक भाई, अभी तक जो लोग समझते थे कि भाई ये ट्रांसप्लांट एक नकली बाल होता है, दर्द होता है, पेन होता है, बीमारियां होती है, ये होता है, वो होता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो 1% की तकलीफ नहीं हुई है ट्रांसप्लांट के बाद, कुछ भी नहीं। पेन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करवाने के टाइम, उसके बाद भी एक भी पेन नहीं हुआ भेदक। जी। अभी वो बीमारियां मारियां बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ बातें फैलाते हैं कि आदमी डरे उस चीज से। जी जी। ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठे हैं यूट्यूब में, उनकी बातें तो बहुत अलग है। फिर वो व्यूज पाने के चक्कर में कुछ भी थंबनेल लगा के कुछ भी बोले जा रहे हैं। आज मैं कभी भी कहीं भी जाता, रोज मुझे जो देखते हैं, जो पहले मुझे जानते हैं, तो हमेशा मेरी तारीफ करते कि जहां से भी कराया बहुत अच्छा कराया। नहीं 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 भाई, मैं मतलब दीपक भाई, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, दिल से बता रहा, जितने लोगों का मैंने आज तक रिजल्ट का बनाया है, सबका बेहतरीन 100% में 100% है। लेकिन दो व्यक्ति जो आप मेरे सामने हो, क्योंकि मैं आपका कंटिन्यू वीडियोस देखा हूँ और बनाया हूँ, कमल भाई और आपका रिजल्ट 110% पूरा नेचुरल और बेहतरीन। और कुछ कुछ लोग अभी भी आते हैं मेरे शॉप में जो पहले करा चुके कहीं से, उनका तो
एकदम खराब हो गया था, मतलब गेप गेप में था डेंसिटी, और एक बार झड़ भी खत्म हो गया। वो मेरे को बताए थे 3000 ग्राफ लगवाया था उसका, उनका 1.5 लाख रुपए खर्चा आया था। कहाँ से करवाते हो? ये मैं नहीं पूछ पाया उनसे, लेकिन वो भी बाहर से ही करवाए थे, मतलब महाराष्ट्र के कोई सेरियम करवाए थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, 1.5 लाख रुपए लगा था उनको। बाप रे। और एकदम गेप गेप, एकदम गेप गेप। वो मेरा देखे तो समझ गए कि करवाए करके, मेरे से पूछे तो मैं उनको बताया, तो बोले ठीक है अब जाऊंगा तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा करके, इस बार इस क्लिनिक से करवाऊंगा ऐसा। मतलब बहुत लोग, जैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक बार अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले तो दोबारा नहीं करवा, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा भी आप आ सकते हैं, अगर आपके डोनर एरिया सलामत है, थोड़ा बच गए तो हम कोशिश करते कि आपका फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करके अच्छे रिजल्ट दे सके। बाकी दीपक भाई, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति आपको देख के बता सकता है क्या हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? कोई नहीं बता सकता। तो मेरे को पूछते हैं जैसे पहले केप पहनते थे, आप क्यों नहीं पहनते? बोला ऐसे ही तो पहले बाल तो था आपका, सबको लगता था कि पहले था करके, कोई ऐसे नहीं जान रहा था कि मेरा, मतलब बहुत कम लोग ही जानते थे जो देखे देखे थे बस। बाकी मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अलग से देख के नहीं बता सकता कि भाई आपका मतलब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? नहीं, कोई नहीं बता सकता। पर्सनल आपको आपकी हेयरलाइंस कैसी लगती है? बहुत नेचुरल, एकदम परफेक्ट है, कि मतलब कोई बाहरी कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि ये ट्रांसप्लांट हुआ करके। जो आपका हेयरलाइंस है पर्सनल, तो आपको अच्छा लगता है, साथ में मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रियल बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छी हेयरलाइंस है आपकी। आप ही का देन है भैया। नहीं नहीं, मेरा देन नहीं है भैया, आप अगर मुझे नहीं बताते तो मैं जा ही नहीं पाता। नहीं नहीं, सबसे मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा दीपक भाई कि आपने पैसा लगाया, आपने हिम्मत जुटाई और आज आप एक अच्छे बालों के मालिक हैं। इतने लोग परेशान हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, तो दीपक भाई हमारे साथ है, इनकी पूरी एक साल की जर्नी आप लोगों ने सुनी होगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो भी परेशान है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चे के। और जो भी लोग अभी खर्चा कर रहे हैं अपने बालों के ऊपर, जिनकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, कि भाई ऑयल लगा लिए, PRP ले लिए, मेडिसिन ले लिए, बहुत सारे खर्चे कर लिए, उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो एक ही क्लिनिक है, सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। ये दिया हुआ नंबर है, वो क्लिनिक का नंबर है, मेरा नहीं है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका एक भाई हूँ जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ, जो हेयर ट्रांसप्लांट के जो रिजल्ट होते हैं उनको शो करता हूँ और अपनी काम मैं अपना दिखाता हूँ, सिर्फ इतना। नेचुरल बालों के मालिक है हमारे दीपक भाई, मैं छू के देख लेता हूँ, अच्छा है ना, मजबूत है कि नहीं है? बाल तो कड़क है आपके, बहुत कड़क है, और ज़बरदस्त हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के मालिक हमारे साथ बैठे हुए दीपक भाई। दीपक भाई, जो नए भाई लोग हैं जो आपको नहीं जानते और मुझे नहीं जानते, हेयर ट्रांसप्लांट की बुकिंग करवाने के लिए और कैसा जाना है वो छोटा सा प्रोसेस बता दीजिए। कुछ नहीं, बस क्लिनिक में कॉल करना है, आपको एक डेट लेना है जी, और 5000 एडवांस बुकिंग देना है, और कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेन बैठना है, पहुँच जाना है स्टेशन से, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है जी जी, एकदम आसानी से। अब लोकेशन लो, टैक्सी में बैठो, आपको लोकेशन तक छोड़ देंगे जी जी, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट वो तो फिर उसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास, जितने वो चेहरे ही से ही दिख रहा मेरे। नहीं, 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 वो तो है भाई, हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाना है तो सिर्फ सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट से। मैंने भी आज से 5.5 साल पहले करवाया था, दीपक भाई ने 1 साल पहले करवाया था, 365 दिन पहले। जो इनकी जानकारियाँ हैं, जो इनकी डिटेल्स हैं, मैं अब तक रख चुका हूँ, जो इनकी पूरी जर्नी है पूरे YouTube पे डाल चुका हूँ, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, जाइए मेरे चैनल के अंदर और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और जितने भाई लोग दीपक भाई को पसंद करते हैं, दीपक भाई के रिजल्ट को पसंद करते हैं, तुरंत सबसे पहले वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, ऐसा नहीं कि वीडियो देखा और छोड़ दिया, लाइक करना है यार, पसंद आता तो लाइक करो, शर्माने की ज़रूरत क्या है, लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं। साथ में शेयर भी करो जिसको जरूरत है। सही बोले दीपक भाई की बात, एकदम सही है कि भाई जो भी आपके आसपास गंजे, जो आपके दोस्त हैं, आपके पहचान वाले हैं, आपके फैमिली वाले हैं, आपके घर वाले, आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो है, जो भी गंजेपन के शिकार हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करो और उनको भी एक घनघनाते के बालों के साथ देखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, थैंक यू सो मच दीपक भाई, बहुत बहुत एकदम अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी बातें आई होप कि हमारे भाई लोग समझेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, इतना वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगा, थैंक यू सो मच।